जंग के लिए अब धरती भी छोटी पड़ गई है। इंसान की धरती पर महातबाही की फितरत अब अंतरिक्ष में भी अंगड़ाई ले रही है। पहले से ही रूस और यूक्रेन के बीच जंग परमाणु हमले के मोड़ पर ठहरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल हमास की जंग मिडिल ईस्ट में आग भड़काने का काम कर रही है। नतीजतन ईरान और इसराइल के बीच जंग के बादल मंडरा रहे हैं। पूरी दुनिया अचानक भड़कते शोलों की तपिश से सहमी हुई है, क्योंकि किसी भी देश का एक गैर जिम्मेदाराना कदम समूची दुनिया को पत्थरों के युग में तब्दील करने में देर नहीं करेगा। लेकिन अब एक नया संकट सामने मंडराने लगा है, और वो ये है अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों की तैनाती की आशंका बढ़ गई है। बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में ब्रह्मांड में एटम बम फूट सकते हैं। महाशक्तियां जब धरती पर एक दूसरे को तबाह करने में नाकाम होंगी, तो वो ब्रह्मांड में विध्वंस की वो विनाश लीला करेंगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दरअसल इसकी बड़ी वजह यह है कि संयुक्त राष्ट्र में अंतरिक्ष में खतरनाक हथियारों की तैनाती को लेकर पेश किए गए एक प्रस्ताव को रूस ने वीटो कर दिया, जबकि चीन वोटिंग से गायब रहा। रूस करना चाहता है अंतरिक्ष में भी परमाणु हथियारों की तैनाती। रूस के इस कदम से संकेत मिलते हैं कि वो अंतरिक्ष में भी परमाणु हथियारों की तैनाती करना चाहता है। इसे लेकर रूस के इरादे सटीक नजर आ रहे हैं, इसलिए रूस ने सभी देशों पर अंतरिक्ष में खतरनाक परमाणु हथियारों को तैनात करने की होड़ पर रोक लगाने के संबंधी संयुक्त राष्ट्र और जापान के एक प्रस्ताव का विरोध किया। पंद्रह सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 13 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि रूस ने इसे मानने से इनकार कर दिया। हालांकि चीन इस मामले पर नदारद रहा, लेकिन रूस ने इस प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित करार देते हुए इसे खारिज कर दिया और कहा कि ये प्रस्ताव अंतरिक्ष में सभी प्रकार के हथियारों पर प्रतिबंध लगाने में उतना सक्षम नहीं है। बता दें कि इस प्रस्ताव में सभी देशों से अंतरिक्ष में परमाणु हथियार या फिर ऐसे किसी भी हथियार को तैनात नहीं करने का आह्वान किया गया है जो भारी तबाही का कारण बने। अमेरिका ने अपनाया सख्त रुख। अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती 1967 की अंतरिक्ष संधि के अंतर्गत प्रतिबंधित है। अमेरिकी राजदूत लिडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि मॉस्को की अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों को तैनात करने की मंशा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन रूस की तरफ से वीटो किए जाने का ये सवाल उठता है कि रूस सरकार कुछ न कुछ तो छिपा रही है। वहीं व्हाइट हाउस ने फरवरी में इस बात की पुष्टि की थी कि रूस ने अंतरिक्ष में उपग्रहों को मिसाइल से उड़ाने की ताकत और तकनीक हासिल कर ली है। हालांकि ऐसा कोई हथियार अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया है।